أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أزرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوزن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فإن كان لكم كيد فكيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن, إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون

फिर अबर को उभार कर परागंदा कर देने वालियों की कसम फिर हक बातिल को जुदा जुदा कर देने वाले और वही लाने वाले फरिश्तों की कसम जो वही इल्जाम उतारने या आगाह कर देने के लिए होती है जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होने वाली है बस जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा और जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे और जब रसूलों को वक्त मकर्रा पर लाया जाएगा किस दिन के लिए उस सब को किया गया है फैसले के दिन के लिए और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया फिर हम उनके बाद पिछलों को लाए हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह करते हैं उस दिन झुटलाने वालों के लिए बैल यानी तबाही है क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया क्या हमने उसे मजबूत और महफूज जगह में रखा एक वक्त मुकर तक फिर हमने अंदाजा किया और हम क्या खूब अंदाजा करने वाले हैं उस दिन तकजीब करने वालों के लिए बर्बादी है क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया जिंदों को भी मुर्दों को भी और हमने इसमें बुलंद पहाड़ जमा दिए और तुम्हें सैराब करने वाला मीठा पानी पिलाया उस दिन झुटलाने वालों के लिए वाय और अफसोस है उस दोजख की तरफ जाओ जिसे तुम झुटलाते रहे हो चलो तीन शाखों वाले साये की तरफ जो दरअसल ना साया देने वाला है ना शोले से बचा सकता है यकीनन दोजख चिंगारियां फेंकती है जो मिसल बह, महल के हैं गोया के वो दर्द रंग के ऊंट हैं उस दिन तकजीब करने वालों के लिए बर्बादी है आज का दिन वो दिन है ये बोलेंगे ना उन्हें माजरत की इजाजत दी जाएगी उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है यह है फैसले का दिन हमने तुम्हें पहलों और सबको जमा किया कर लिया है बस अगर तुम मुझसे कोई चाल चल सकते हो तो चल लो तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए बेशक परहेजगार लोग सायों में होंगे बहते चश्मों में और उन मेवों में जिनके वो ख्वाहिश करेंगे ए जन्नतियों खाओ पियो मजे से और अपने किए हुए आमाल के बदले यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं उस दिन तकजीब करने वालों के लिए बर्बादी है ए झुटलाने वालों तुम दुनिया में थोड़ा सा खा लो और फायदा उठा लो बेशक तुम गुनागार हो उस दिन झुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है उनसे जब कहा जाता है कि रुको कर लो तो नहीं करते उस दिन झुटलाने वालों के लिए तबाही है अब इस कुरान के बात किस बात पर ईमान लाएंगे अकबर अल्हमदल रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम

इनशाला उसकी तफहीम भी हम करने की कोशिश करेंगे कि इससे हमें हमें क्या असर लेना है इनशा अल्लाह की इन बातों से हमें क्या मतलब क्या हमारी जिंदगी में हमें अमल में लाना है इनशाला हम देखने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताली से दुआ अल्लाह ताली हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तोहफी खतः फरमाए और जो आज की इस महफिल में शरीक हैं और अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए जमा हुई हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे शर्फ कबूलियत बख्शे हमारी कोशिशों को और उसके जरिए से हमें जन्नत की राहें हमारे लिए आसान कर दे आमीन याफी मेरी बहनों सूरतमसला है जैसा कि हमने कई मक्की सूरतें पढ़ी आज ये आखिरी सूरत में भी वही हो नाक मनाजिर वही दर्दनाक बयान जो अल्लाह सुबान तौ जहनमियों के बारे में कहा और वही अंदाज बयान अल्लाह का कि अफसोस के बंदा क्यों अल्लाह की बात को नहीं मानता बार बार झुटलाता है तो अल्लाह ताला उसको किस किस अंदाज से अब देखिए यही एक सूरत में आपने देखा होगा बैलु योम बार 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 अल्लाह तला कहते हैं बार बार कहते हैं कि वैल है तबाही है बर्बादी है उस दिन लेने वाले झुटलाने वालों के लिए वैल है यानी तबाही बर्बादी जहन्नम का गड़ा है उस दिन झुटलाने वालों के लिए ये एक बात को अल्लाह ताला ने बार 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 दोहराया यानी झुटलाने वालों के लिए इतनी ज्यादा खराबी है के उस बात को यानी देखिए कभी हम गुस्से में होते हैं हमारी औलाद अगर कोई बात नहीं मानती तो हम क्या करते हैं कि यानी झूठ 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 बार बार ला 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 रहा ला रहा ला रहा बच्चा तो आप क्या करते हैं झूठ बोलोगे तो तबाही की तरफ ले जाता झूठ तबाही तबाही की तरफ ले जाता यानी ये बात को हम अगर बार 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 कहते हैं तो बच्चे भी खौफ में आ जाते हैं ना बच्चे भी खौफ में आ जाते हैं हम पर भी बड़ा गुस्सा तारी हो जाता है तो वो यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में तुम मेरी निशानियों पे से गुजरते हो लेकिन तुम गौर नहीं करते बहनों हमें गौर करने की नौबत है बात गौर करने वाली है यानी कई जगहों पर हम अल्लाह ताला की यानी कुदरत उसकी अल्लाह ताला की अः यानी निज़ाम कायनात जो अल्लाह ताला संभाल रहा है आगे जो आगे होने वाला है क्यामत के बारे में आखिर आखिरत की पूछताछ के बारे में ये तमाम चीजें जब आप देखती हैं तो सुफान अल्लाह नजर आता ना कि दुनिया में भी कई ऐसी मिसालों पर से हम गुजरते हैं जैसा कि अल्लाह पाक ने में शायद फरमाया कि तुम रोजाना मेरी नशानियों पर गुजरते हो लेकिन और फिक्र नहीं करते हमें और फिक्र करना है जैसे आज हम बच्चों को कोई बात बार बार कहते हैं तो एक मतलब वो बोलने के बाद इसके बाद तो सजा के लिए तैयार हो जाते इसके बाद हम सजा के लिए तैयार हो जाते अल्लाह अकबर और ये हमारा सजा के लिए तैयार हो जाना यानी मतलब ये कि कोई अपनी सगी औलाद भी क्यों ना हो हम क्या करती है कि फौरी हम सजा देने के लिए तैयार हो जाती है जब सजा देने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर हमें मतलब पता होना चाहिए कि हम एक रब हकी के सामने एक मरतबा ठहरने वाले हैं रब हकी के सामने हम एक मरतबा ठहरने वाले हैं और हमें उसके सामने जवाब देना है और वो अजाब हमारे लिए तैयार करेगा अगर हम गुनाहगार बनते अगर अल्लाह की बात नहीं मानते अल्लाह ने तो बार 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 कुरान में फरमाया एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा नहीं कई मर्तबा कुरान में अल्लाह ताला ने हमको अलग अलग अंदाज से समझाया उसके बावजूद अगर हम नहीं मानते तो अल्लाह ताला हमको अजाब देगा ना तो ये बात सोचकर हमें खौफ आना चाहिए ये बात सोचकर हमें अल्लाह की यानी अल्लाह की राह में बेदरी चल पड़ना है उसकी रजा की तलब में उसको मनवाने की उसमें यानी आप देखिए इस एक में भी यानी हम तमाम तकरीबन पारा पड़ चुके तो उसमें आप देखेंगी बार बार अल्लाह तला अपनी तरफ बुलाता है कि आओ मेरी राह में आओ मेरी राह में लेकिन बंदा है कि इतना बेनियाज है ऐसे मतलब जिंदगी गुजार रहा है जैसे कि जन्नत में बुकिंग हो गई अरे सुबहान अल्लाह जिसकी बुकिंग हो गई थी ना साहबा इसका जन्नत को जन्नत का परमाना जी ने मिल चुका था ये जन्नती हैं अल्लाह के रसूल की जुबान मुबारक से मिल चुका था उनको जन्नत का परवाना वो भी उतना इत्मीनान में नहीं थे जितना कि आज हम इत्मीनान में हैं वो भी नहीं थे इत्मीनान में वो भी और और स्ट्रगल करते और जस्तजू करते थे और हम ऐसे इत्मीनान में जैसे कि हमारी बुकिंग हो गई जन्नत में अल्ला अकबर तो मेरी बहनों ये जो अः यानी सूरते हैं इन तमाम सूरतों में आज हम पारे की आखिरी सूरत पढ़े तो इस सूरत में भी अल्लाह ताला ने जो अः यानी डिस्क्रिप्शन दिया है खयामत का जहन्नम का खौफ आता है यानी दिल दहला देने वाली बातें जैसे अल्लाह ताला जैसे देखिए आप शुरू शुरू होता है सूरतरात पर और, और खसम है अल्लाह परसम खस, खा खा कर भी समझाता है क्या पहली आयत से कि मुरसिलात तो या और अब्दलात कहते हैं वो हवाएं जो और वो जो पे पे भेज जाती हैं यानी हवा फिर कैसे वाल आसिफात या असफावित जो, जो का लेने झोंका वालों के दर पे हैं मुरसलात यानी वो फरी वो अंबिया मुराद लिए जाते हैं जो वही अहकाम शरीयत लाते हैं कंटिन्यू रहमत रहमत उसे दी गई रहमत की हम जी तो उस पैगाम से हमें हमको लेकर जैसे बा, बारिश पड़ने के, के बाद जैसे मतलब लहलहाती खेतियां उगती हैं तो वैसे आमाल की हमारी खेतियां उगनी है इनशाला उसके बाद तो फिर कटवाई कब होगी आखिरत के दिन होगी और बहुत सारा अज़र मिलेगा उस दिन इनशा वही एक मिसाल दे के बता रहे हैं मुरसलात कहते हैं दरअसल फरिश्ते फिर अंबिया मुराद लिए हैं उस सूरत में और इलाही शरीय होंगे लेकिन ये दो बातें भी हो सकती यानी मफहूम इस तरह से भी लिया जा सकता है या फिर ये भी कि मतलब जो हवाएं चलती हैं रहमत जो लिए अपने अंदर फिरती हैं और जोर से झोंका देने वालियों की कसम यानी अः हवा बात हवा क्या होती जोर से जब धोखा दे झोंका देती है तो यही रहमत जाकर अजाब बन जाती है है ना कि एक मरतबा वो होता है कि मतलब जब हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं रहमत ही होती है लेकिन वही रहमत इंसान के लिए बाज वक्त क्या होती कि वो रहमत जाके अजाब बन जाता कब जब अल्लाह नाराज हो जाता है रहमत तो अल्लाह ने दी लेकिन बंदे ना शुक्री की तो क्या होगा फिर अजाब होगा उसके ऊपर वो रहमत जाकर अजाब बन जाएगा बहरहाल ये मिसाल देकर अल्लाह ताला कसम खा रहा है उन हवाओं की जो पे दर पे भेजी जाती हैं फिर झोंका लेने वाली हवाओं की कसम फिर अबर को उभार कर परागंदा कर देने वालों की कसम यानी अबर क्या करता है वो हवा क्या करती अबर को अलग अलग तरीको अलग अलग जगहों पर मुंतशिर करती है मतलब इधर उधर इधर उधर हो जाता अबर हवा चलने के बाद यानी अल्लाह ताला जिस तरफ उसे हुक्म देते हैं कि उस तरफ जाओ तो वो हवा के जरिए से उस तरफ जाता है और वहां पर बरसता है जहां अल्लाह पाक बरसने का उसे हुक्म देते हैं अब लोग बोलते बारिश होगी बारिश होगी हवाएं फुल चल रही बारिश होने वाली है बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं होती बाद सिर्फ हवाएं चलती और थम जाता यानी अल्लाह पाक ने किसी और तरफ हुआ होता है उन आ, बादलों को कि वहां जाए और फला जगह पर बरसे तो बहर हाल ये की अल्लाह के कब्जे कुदरत में है ये अः क्या कहते हैं अः निजाम बारिश का निजाम हवाओं का निजाम और ये अः अबर को उठाकर परागंदा करने की नहीं वो हवाओं की कसम अल्लाह ने खाई फिर फिर अगेन क्या इस तरफ आती है बात किस तरफ बातिल की तरफ हक़ की फरक़ा यानी हक बातिल को जुदा जुदा कर देने वाले यानी मैंने अभी कहा ना कि इसको मफ़ूम में ले सकते हैं इन रहमत वाली हवाओं को इन रहमत वाली हवाओं को और ये अजाब वाली हवा को उस मानों में भी ले सकते हैं कि जब पैगंबर रहमत वाले पैगाम लाते हैं पैगंबर और रसूल जो रहमतों वाले बरकतों वाले पैगाम लाते हैं अल्लाह के अहकाम लाते हैं उस पर अमल करा तो बंदा उसके लिए रहमत है अगर अमल नहीं करा अल्लाह के गुस्से को दावत दिया तो फिर उसके लिए अजाब बन जाती वही रहमत जाके अजाब बन जाती क्योंकि हजत की तकमील हो गई ना अजाब अल्लाह तला कब नाजिल करता है हजत की तकमील होने के बाद यानी अल्लाह ने पैगाम भेजा जैसा कि कुरान हमको मिल गया पैगाम मिल गया अब अमल नहीं करते हैं तो अब अज़ाब है वरना तो मतलब अगर किताब नहीं रहती हमारे पास तो उजर होता था ना कि हमारे पास किताब ही नहीं हमें पता ही नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें हमारे पास किताब ही नहीं है हमें हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करें या क्या ना करें तो फिर अल्लाह सुबहान तला तो यानी हजरत यानी इंसाफ बेसाफ ही नहीं करता ना नौजबिल्ला अल्लाह की जात कैसी है इंसाफ पर मबनी है बहुत ज्यादा मुनसिफ आला बहुत ज्यादा इंसाफ करने वाला तो अल्लाह ने पहले किताब भेजी अब उसके ऊपर बंदा अमल नहीं करता वो रहमत वाली किताब को बस ये पुष्ट डाल देता है उसे पढ़ता नहीं खोलता नहीं समझता नहीं तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे अजाब लाएंगे जैसा कि रहमत वाली हवाएं अजाब का भी बायस बन जाती है तूफानी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और यही हवाएं होती है जो हक बातिल को जुदा जुदा कर देती है कुरान अल्लाह के अहकाम ये वो चीज है जो हक बातिल को हलाल और हराम को अलग अलग कर देता है नहीं जो ए, का इसके बाद तरमा फल्क वही लाने वाले फरिश्तों की कसम उजरन और नजरा जो इल्जाम उतारने या आगाह करने के लिए होती है यानी वही कई के, 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 के लिए होती है कि वही फरिश्ते जो लेकर आते हैं ताकि लोगों पर अभी मैंने आपको बताया ना कायम हो जाए और उज्र बाकी ना रहे यानी हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था ये बोलना उनको बाकी ना रहे इसीलिए अल्लाह ताला उजरन और नुजरा कहे यानी कोई उज्र बाकी नहीं रहेगा या फिर डरावा बाकी नहीं रहेगा डरा भी हो गया आगाह करना भी हो गया अः उज़्र जो था उनका के, नहीं है हमारे पास गाइडेंस तो वो उज़्र भी खत्म हो गया उजरन और ये दो चीजें भी जो फरिश्ते करते हैं वही से फरिश्ते लाते ना वही कसम खाई गई इसके बाद कहा गया कि इन नमा तो अदून लवाक इन नमा बेश तो तु अदून तुम से वादा किया था लवाक अलबत् जरूर वाक होकर रहेगा कब वाक हो गया ये वादा कौन सा वादा है ये ये वादा वही वादे क्यामत है ये वादा वही है जो अल्लाह ने किया था कि ये कायनात जो हमको दे रखा है अल्लाह पाक ने जिंदगियां जो दे रखी है अल्लाह पाक ने एक दिन सब ने फना होना है सबको फना होना है एक दिन यानी हत्या के आप हम ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल से जो पत्थर पहाड़ अपनी जगह पर मुंजमद है वो भी परागंदा होकर उड़ने वाले हैं अल्लाह पर तो वो भी वो भी परागंदा होकर उड़ने वाले हैं तो अल्लाह सुबहान तला ने उस चीज को भी गिनवा दिया कि हर वो चीज फना होने वाली है वादे का दिन मुक्र है का दिन और उस दिन क्या होगा तुम जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे व इजत समा फुरिजत आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा और वह इजल जिबाल और जब पहाड़ कैसे होंगे नसीफत टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे वह रसूल रसुल और रसूलों को वक्त मक़र पर लाया जाएगा अल्लाह अकबर यानी अल्लाह ला खड़ा करेगा रसूलों को भी और अल्लाह तला ने फरमाया के लिए आई योमिन उजलत किस दिन के लिए उन सबको को मवखर किया गया यानी देखिए रसूलों को उनके अःमा ने सताया रसूलों को उनके खौमा ने सताया तो अल्लाह ताला ने उस वक्त अजाब दिया लेकिन एक वक्त था मुकर्रा उनके लिए वो मुकर वक्त के लिए अल्लाह ताला इंतजार करता है अजाब काफी नहीं है उनके लिए किसी ने एक एक है एक इंसान है फॉर एग्जाम्पल अबू जहल की मिसाल ले लीजिए अबू जहल की मिसाल ले लीजिए कि वो अबू जहल जो अबुल हकम था ये बात याद रखिए अबुल हकम था उसका नाम इस्लाम ने उसे अबू जहल कर दिया क्योंकि अब हकम नहीं रहा फैसला अब हकम कहते हैं फैसले करने वाले अबुल हकम था उसका नाम लेकिन तारीख ने उसका नाम बदल दिया कैसे उसने 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 अपने कैरेक्टर के जरिए से अपना सिफत बदल ली उसका कैरेक्टर क्या था अबुल हकम का अबुल हकम था हालांकि वो यानी मतलब ये एक सरदार था उसकी हुकूमत थी उसके फैसले होते थे लेकिन जैसे इस्लाम आया इस्लाम आने के बाद अल्लाह ताला ने बंदे से बंदे की गुलामी को निकाल कर बंदे से अल्लाह की अल्लाह के कनेक्शन को यानी कनेक्ट किया कनेक्शन किधर से बंदे के बंदे से निकल के रब और बंदे के दरमियान कनेक्शन बना अब उसने एक्सेप्ट नहीं किया ना अबू जहल ने तो अबू हकम जाकर वो अबू जहल हो गया जाहिल यानी इस्लाम वो चीज़ है जो जहल को मिटाता है अगर इस्लाम आने के बाद भी वो अपने जहल पर कायम रहा तो फिर वही जाहिल है चाहे वो कितने ही फैसले करने वाला क्यों ना तो पहले हाल ये कि एक मिसाल दे रही हूं मैं अबू जहल की कि अबू जहल अगर किसी पर जुल्म करता है एक नहीं दो नहीं कई लोगों पर उसने इस्लाम लाने वालों पर जुल्म किया अल्लाह ने उसे ब्रतनाक मौत दी दुनिया में उसकी सजा हुई लेकिन क्या वो काफी थी सजा नहीं क्यों क्योंकि उसने एक नहीं कई लोगों के साथ वो अः बदसलूकी की हत्या के वक्त के रसूल के साथ भी उसने बदसलूकी की तो फिर उतने लोगों का बदला लेना है तो उसको बार बार यानी मतलब ये कि बड़ा अजीम अजाब हो ना उसके लिए तो अल्लाह ने क्या किया उस एक अजाब को उसको खत्म नहीं किया बल्कि अल्लाह ने क्या किया मिन उत कर रहे हैं अल्लाह तला योमिन उजिलत कर रहे यानी किस दिन के लिए सबको मवखर किया गया किस दिन के लिए यानी अल्लाह सवाल कर रहे हैं यानी कैसे अजीम दिन के लिए जिसकी शिद्दत और होलना की लोगों के लिए सख्त ताजुब अंगेज हो गई उन पैगम्बरों को जमा करने का वक्त आ गया यानी अल्लाह उनको जमा करेगा और उनके जुटलाने वालों को उन रसूलों के झुटलाने वालों को भी जमा करेगा और उनके दरमियान फैसला करेगा यौमिन फर्स्ट फैसले वाले दिन के लिए अल्लाह ने मवखर कर दिया था उनको एक अजाब दिया झटका था वो तो खाली अजाब का दुनिया में जो उनको मिला आखिरत में तो असल अजाब है उनके लिए फैसले वाले दिन तो अल्लाह ताला बता रही है कि यमुल उलफसल क्या है ममा अदरा कमा यमुल उलफसल तुम्हें क्या मालूम की यम उलफसल क्या है उस दिन झुठलाने वालों के लिए बर्बादी है अलम अवलीन अब अल्लाह बता रहे क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया था लोग बंदे देखते हैं बंदे देखते हैं कि उनको यानी उनका अंजाम क्या होता है अल्लाह पाक कैसे पेदर पे हलाक करता है लोगों को एक खौमों की, खौमों की को अल्लाह तबाह करके बताता है कि देखो ये मिसाल है तुम्हारे लिए देखो ये तुम्हारे लिए मिसाल है अगर वो मिसाल पर भी इंसान तोज्जा नहीं करता देखता नहीं उस पर गौर नहीं करता तो अल्लाह पाक कहते हैं कि कैसा नहीं वायल है उसके लिए तो तबाही है वो कुछ असर ही नहीं लग रहा इसका तो पहल है उसके लिए क्यों क्योंकि क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया अल्लाह पूछ रहे क्या हमने उनके बाद पिछलों को नहीं लाए अल्लाह अल्लाह बोल रहे फिर नुतबीम उनके पीछे आए अल्लान बाद वाले। फिर पीछे आए बाद वाले मुजरिमीन हम गुनागारों के साथ इसी तरह करते हैं यानी गुनागार कोई होता है तो अल्लाह उसको सजा उसको सज़ा देते हैं मिटा है। कर वा, वा, वालों के लिए तबाही है वैल है बर्बादी है इसके बाद अल्लाह इंसान की तरफ गौर करने के लिए, के लिए कहते क्या हमने तुम्हारी तखलीक एक पानी से नहीं की फजा फिर फिर हमने रखा उसे फी खरारि मकीन एक महफूज जगह पर यानी मादर में एक महफूज जगह पर रखा फजा अल्लाह बस हमने बनाया फी खरारी मकीन एक महफूज जगह में उसे रखा इलाकदरिम मे मुत तक यानी मुद्दत हम हमल का जो मुकर वक्त होता है हर एक का अल्लाह ने मुकर किया वक्त छः महीने से लेके नौ महीने तक छः सात आठ नौ महीने जो भी है इसके बाद अल्लाह ताला तरमा रही हमने अंदाजा किया यानी अल्लाह पाक ने अंदाजा किया और अल्लाह ताला कहते हैं हम क्या ही खूब अंदाजा करने वाले हैं यानी तुमको नहीं मालूम कि अंदाजा क्या है ये अंदाजा कैसे होता है अंदाजा करने वाला वो रब हकीकी है वो सारी कायनात का रब है हमारा और आपका सब खाली मालिक उसको बेहतरीन मालूम है कि कौन सी चीज कैसे कहां पर रखना है किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना है है ना हम हमारा रब अल्लाह है तो हमें ये अः उसके उत्साह पर यकीन होना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे जो चाह दिया और मेरे लिए बेहतर किया फ़कदर ना अल्लाह ताला बता रही कादिरून हम क्या खूब अंदाजा लगाने वाले हैं आप कहा से देखिए वहां से देखिए रहम मादर से देखिए जब हम माँ के पेट में होते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह ताला हमारी साख्त को तरकीब देता है पूरा मतलब आंख बनाता अल्लाह ताला दांत सॉरी दांत नहीं आंख बनाता कान बनाता जुबान बनाता अपने अः गाल बनाता चेहरा बनाता कान है गला है हलक है पेट फेड़ यानी मतलब ये कि हर वो चीज यानी सारी साख्त को पेदर पे दर पे पेदर पे दर पे पे दर पे बेहतरीन तखलीक करता है अल्लाह ताला सारा आजा और जवारे के बीच में कितना गैप होना है किसके दरमियान है कौन सी उंगली छोटी होनी कौन सी उंगली बड़ी होनी है वो तो तमाम चीजें अल्लाह ने अंदाजा करके बनाया कैसे परफेक्ट है ना इंसान कैसे परफेक्ट होता है इंसान कि उसकी जो जो जगह जिस जगह पर होनी चाहिए जो चीज़ जिस जगह पर होनी उस जगह पर अल्लाह ने मुखर की तो इससे अब एक नस, एक इंसान के साख से आप देखें अंदाजा लगाएं हर वो चीज पर इंसान तमाम इंसानी जिंदगी पर जो अल्लाह ने हमें अता किया जो ने हमें अता नहीं किया हर चीज़ में मसलेहत है इनशाला हर चीज़ में मसलेहत है कि अल्लाह ने कुछ हमें दिया कुछ हमसे छीन लिया कुछ दे रहा है कुछ देगा सब उसकी कुदरत है और उसके फैसले हैं और उसके फैसलों पर हमें समय आना व अतना कहना चाहिए क्यों क्योंकि मेरा रब वो है जो बेहतरीन तखलीक करने वाला है बेहतरीन अंदाजे करने वाला है नियाम अल कदरून हाँ ये समझने वाले ही समझते हैं अल्लाह हमको उन समझदारों में बना दे या रब्बी आमीन या रब अब इसके बाद अल्लाह ताला तरमान उस दिन झुटलाने वालों की बड़ी बर्बादी है अलम हैदा खफाता अब अल्लाह तला जमीन को अब अपनी तकलीफ़ के बारे में बोल दिए अल्लाह ताला इंसान की तकलीफ के बाद अब अल्लाह ताला ला रहे हैं इंसान के अतराफ अकनाफ की चीजें जो इस्तेमाल करता है सवाल कर रहे हैं क्या हम नहीं बनाए जमीन को समेटने वाली पूछ रहे हैं इंसान को अलम नजर अलीफाता क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया अहिया अम जिंदो को भी मुर्दों को भी यानी जमीन क्या करती चीज को को समेट लेती यानी जमीन अपने को भी पर अपने पना देती है लपेट लेती है मतलब तो ये एक जगह सब जमा घर में आ जाते हैं ना अपने और मुर्दों को अंदर समेट है ऊपर समेटती है और मुर्दों को कहा जमीन के नीचे मुर्दों को कहा समेटती है जमीन के नीचे तो अल्लाह ताला ने जमीन के बारे में कहा अलम नज अलिल अली अर्दिफात क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया अहियावा और जिंदा को भी मुर्दा को भी सबको समेटती है ज़मीन समेत राम उसमें हमने क्या किया अल्लाह परल्ला रवासिया गाड़ दिए क्या बना दिए शामी खातन नहीं? मजबूत बुलंद पहाड़ बसना फुराता और सैराब करने वाला मीठा पानी कौन देता है मेरी बहनों पत्थरों से जो पानी निकलता है आप देखेंगे कभी पत्थरों से जो पानी निकलता है बड़ा ही साफ और शफाफ बड़ा ही साफ और शफाफ वो पानी होता है और उसके यानी उसकी पाकिजी के क्या कहने वो मेरा रब ही है वो मेरा और आपका रब है जो पत्थरों के दरमियान से भी हमको पानी देता है और बड़ा मीठा वो साफ सुथरा पानी कि क्या फरमा रहे हमने उन्हें अः यानी सैराब करने वाला मीठा पानी भी पिलाया अब वो मीठा पानी पी कर कौन है जो बंदा शुक्र करता है अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है उसकी बातों को झुटलाता नहीं है आकर झुटलाया फिर अगेन उस दिन झुटलाने वालों के लिए अफसोस है वैल है इन तरीकों अब अल्लाह ताला बता रहे हैं अब जहनमियों को बोल रहे हैं समझाए 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 ना हर चीज़ की खुद की पैदाइश के ऊपर समझाए और अतराफ़ जमीन को देखो हर चीज को यानी अल्लाह ताला ने साफ मिसालें दे दी उसके बाद अल्लाह ताला जहानमियों का अंजाम बता रहे हैं इन तरीकों चलो इन जहनम में कहा जाएगा कि चलो इलामा कुंतुम तुम भी तो कस्जी जिस चीज की तरफ जुटलाते थे ना तुम चलो अब वो वही जुटलाने वाली जगह पर तुम्हें ले जाना है इन तली खो चलो इलामा कुंतुम तुम भी तो कस्जी जिस चीज को तुम जुटलाते थे इन तली खो चलो उस तरफ इला जिलिन ऐसे साय की तरफ जी सला जो तीन साय वाला है तीन शाखों वाले साय है और कैसे साय है वो لا لا ظليل ولا يغني من اللهب. ظليل. उसमें कोई साया नहीं होगा, हाँ? शाखों की तरफ चलो बोलते शा, शाखों वाले साये बोलते साये कौन से वो वाला साया नहीं जो दरख्त का होता है ये आग का ही साया होगा धुएं का साया होगा शिद्दत गर्मी का साया होगा वाला मीनब वो शोलों से तुम्हे नहीं बचाएगा वो साया तुम्हे शोलों से नहीं बचाएगा अल्लाह अकबर यानी जहन्नम की हरारत से बचना किसी भी तरह मुमकिन नहीं होगा बंदे के लिए इन तरमी बेरर कल कसर यकीन इन नहा बे, बेशक हा उसका यानी उस जहन्नम का तरमी यानी जो चिंगारिया और जो फेंकी तरमी यानी रामायर में फेंकना तरमी वो फेंकेगी बिशर यानी अपनी चिंगारियों को और वो चिंगारे कैसे होंगे कल कसर महलों की तरह बड़े बड़े, बड़े अल्लाह पर यह हम चिंगारी से मुराद क्या लेते छोटी सी छोटी सी होती है चिंगारी छोटी सी होती है लेकिन जहन्नम की चिंगारियां महलों के उतने बड़े बड़े होंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह महफजना अल्लाह माजी नबी नन्नार अल्लाह माजी नबी नन्नार या रबी अल्लाह ताला मिसाल दे के बोल रहे हैं का अन्न हो जा सफर यानी वो कैसे जबल ऊंट को बोलते ना तो जा जिमालात जमल ऊंट को बोलते हैं जिमालात उसका प्लूरल है यानी ऊंट होंगे कैसे का अन्ना गोया के हु वो होंगे जिमालात सब यानी जर्द रंग के बड़े बड़े ऊंट हैं क्या गोया ऐसी आग होगी आग के जो आ, क्या कहते हैं आ, अंगारे होंगे वो अंगारे कैसे होंगे वो अंगारे जैसे कि बड़े बड़े जर्द रंग के ऊंट हैं उस दिन वालों के लिए बड़ी बर्बादी है हाँ आज का दिन वो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आज का दिन वो है यौमुन, यौम आज वो दिन है ला ये बोल भी नहीं सकेंगे दुनिया में तो बहुत बोलते थे दुनिया में तो बहुत बोलते थे और दुनिया में झूठ बोलना दगाबाजियां करना यानी फितने फसाद करना अपनी जुबानों से अल्लाह तला बता रहे हैं आज उनके मुँह पर मोहर लग जाएगी उनके हाथ पैर उनके खिलाफ गवाही देगी ये आज जबान से कुछ नहीं बोल सकेंगे कुछ नहीं बोल सकेंगे लायन तिखून वो बात नहीं कर सकेंगे योजन और न वो इजाजत मांगेंगे किसकी लहू उनके लिए फया तजी उनके उन्हें कोई माजरत की इजाज़त होगी नहीं योजन और न उन्हें इज्जन होगा ना वो हुक्म दिए जाएंगे उनके लिए लहू उनके लिए फया तजी उनके वो कुछ माजरत तलब करें उन्हें माजरत की इजाजत नहीं दी जाएगी माजरत की मतलब ये कि माफी मांगने की भी इजाजत उनको नहीं दी जाएगी

कैसे मुसलमानों के खिलाफ जाए कैसे इस्लाम के खिलाफ जाए बहुत बड़ी तब्दू करता दुनिया में एक झटका उसका मौत का पड़ेगा ना उसके बाद उसको कोई यानी ताकत नहीं होगी कहीं वो भाग सके अल्लाह से नहीं कहीं नहीं भाग सकता बल्कि अल्लाह ताला बता रहे इनकान लकुम क़ई उन अगर तुम्हारे पास है कोई चाल फकीद बताओ चाल वही उस दिन वैल है तबाही है बर्बादी है जुटलाने वालों के लिए हाँ जो नहीं छुटलाया जो ला की फर्मा बर्दारी करा मुत्ती बना तख्वा परेज गारी अख्तियार किया तो उसके लिए खुश खबरी सुनाता है अल्लाह तला फरमाता है इन न बेशक जो तख्वे वाले हैं फी दिलातरीन सायों में ठंडे सायों में और बहते हुए चश्मों में होंगे यानी दरख्तों और महिलाओं के बेहतरीन साए होंगे वो आग के धोए वाला साया नहीं होगा ये अलग वाला है ठंडा परहत बख्श आग का साया तो मशरकिन के लिए काफिरों के लिए गुनागारों के लिए मुत्ियों के लिए सफान्ला अल्लाह ठंडे साए होंगे बहते हुए चश्मे जिला और बहते व चश्मे होंगे और फवा की हाँ मेवे होंगे मीम आता हूँ जो वो चाहेंगे जो मेवों की ख्वाहिश करेंगे अब यह अभी क्या होता है हमारे पास ये सीजनल फ्रूट नहीं है ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते फला खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी फला खाएंगे तो आ, उस उसपे कुछ दवाओं का छिड़काव होता है तो फला तबीयत खराब हो जा रही ये खाने से तबीयत खराब हो रही वो होने से ये फल फीका निकला वो फल कड़वा निकला कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चलते हैं तमाशे लेकिन वहां पर जो मेवे होंगे सुफहान अल्लाह मिम्मा यशत जो वो चाहेंगे मिलेगा ऐसा नहीं कि सीजन में ही मिलेगा नहीं हर वो मेवा हर वो फावा के हा जो भी मेवा चाहेगा बंदा मिम्मा जो वो चाहेगा मिलेगा सुफहान अल्लाह कहा जाएगा कुलू वशर खाओ पियो मजे से खाओ पियो जो तुम अमल करते थे ना उसके बदले में आज मजे से खाओ पियो बोलेंगे अल्लाह और अल्लाह इन्ना जिल वहसिन इसी तरह हम बदला देते हैं नेक काम करने वालों को झुठलाने वालों के लिए उस दिन बर्बादी है कुलू अब वो फिर झुटलाने वालों के बारे में बोल रहे अल्लाह फिर बोले कि वो झुटलाने वाले अगर दुनिया में कुछ फायदा उठा भी लेते हैं तो वो तो चंद दिन का है कुलू वह खलीलन अब खाओ यहाँ पे झुटलाने वाले जो भी यहाँ पर दुनिया का जो भी खाते हैं ना नियामतें खाओ पियो खलीलन थोड़ा इन न मुजरिम तुम मुजरिम हो फिर बोले अल्लाह अल्लाह अकबर उस दिन झुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है इज़ा ला यानी झुटलाने वालों की और एक सिफत बयान की गई यहाँ पर और एक सिफत क्या बयान की गई कि वो लोग जब उनसे कहा जाता था कि नमाज पढ़ो रुकू करो लाऊ रुकू नहीं करते थे वो अपनी अपनी लॉजिक्स होती उनके पास नहीं अल्लाह माफ़ करेगा वो फला बहाना है मेरे लिए फला ये चीज़ है उसके लिए मैंने क्या ये क्या जब नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो नमाज नहीं पढ़ते थे तो ऐसे झुटलाने वालों के लिए वैल है अल्लाह अकबर अल्लाह हम सबको नमाजी बना दिया अरब हमारी औला औलाद को हमारे तमाम खानदान को अपने को अल्लाह तब को नमाजी बना दिया आुल अरब आमीन या रब क्योंकि उस दिन वैल है बे के लिए भी जब उन्हें रुकू करने के लिए कहा जाता तो नहीं करते थे रुकू तो उनके लिए वैल है फिर फिर देखिये बैलोन फिर बोले यानी बार 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 अल्लाह ताला ये लफ्ज कह रहे हैं इसके बाद आखिर हर्फ आखिर हर्फ आखर ही है, लास्ट बात लास्ट है। क्या फरमा रहे अब क्या और इस कुरान के बाद और किस तरीके से नसीहत करना कई लोग ईमान लाए पर क्या अंदाज है तला का क्या फरमा रहे कभी अयी सिंह अब किस बात पर अः यानी इस कुरान के बाद किस बात पर यह ईमान लाएंगे अब क्या बाकी रहेगा किस किस तरीके से समझाना अभी अभी क्या बाकी रहेगा कि फी हदी सिंह अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे हर फ आखिर है ये हर तरीके से इसमें समझा दिया गया कि ईमान लाओ अल्लाह पर ईमान लाओ अल्लाह पर अमल करो ईमान लाओ अमल करो रसूलों की मानो अल्लाह की फरमावरदारी करो अल्लाह की फरमावरदारी करो हजार मरतबा अलग अलग तरीक़ों से समझाया गया तो अल्लाह तला बरतारे अब इसके बाद और, और कौन सा कलाम है इनको जिस पर ईमान लाएंगे अब कौन सा कलाम है उसके बाद जिस पर यही मान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सवाल कर रहे हैं किस तरीके से लाए कोई तरीका नहीं है, आखर बात है। बातिल की तमीज़ करने वाली आसान है कुरानल कुरान अस कुरान को मैंने नसीहत के लिए आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने वाला अब आसान तरीन चीज को भी दिया जाए तो नहीं लेंगे तो भाई नबी बैल तैयार कर रखा है ने। और एक ही सुर में बार 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 रिपीट किया अल्लाह ने बैल है चीज तो नहीं मेरी बहनों ये बार बार जो आय आएत आई है ना बैल बैल क्या है बैल ऐसा खतरनाक गढ़ा जहन्नम का हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो गढ़ा अपने आप से खुद पना मांगता है दिन में कई मरतबा वो गड़ा वो बैल वो कहती है वो वादी है बड़ी जहन्नम की वो कहती है अल्लाह आखिर किस को डालेगा इसमें तो वो खतरनाक वादी किसके लिए है झुट लाने वालों के लिए तो अब कुरान से भी नहीं समझाने के बावजूद भी नहीं समझेंगे तो, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं अब और क्या होना इनको कुरान के अलावा समझाने के लिए कोई चीज नहीं हो सकती कुरान ही है वाहद जरिया जिससे समझाना है बंदे को बंदा समझ गया तो उसकी भलाई है नहीं समझा तो उसकी बुराई है ना طهيت حامي بهنو فرض المرسلات الله تعالى فدوه هي تعالى من كهنة أرسلنا زاد دعم توفيق وفي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين